हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, मैं स्वरूप सर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। छात्रगण, जैसा कि आपने सिलेबस में देखा है कि जेपीएससी पीटी पेपर टू झारखंड सामान्य ज्ञान में एक टॉपिक है झारखंड आंदोलन, जिसके तहत आपको पढ़ना है झारखंड के श्रद्धान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड राज्य के निर्माण के आंदोलन, झारखंड के विद्रोह और झारखंड का स्वतंत्रता आंदोलन भारत के संदर्भ में। इस सारे टॉपिक्स आपको जेपीएससी पीटी पेपर टू के झारखंड आंदोलन के चैप्टर के अंतर्गत पढ़नी है। उसी के तहत हमारा चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है, जारी है, और वो चैप्टर है झारखंड के आदिवासी, जिसके तहत लगभग 20 आदिवासियों के बारे में उनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारे परिदृश्य का हम लोगों ने अवलोकन किया, समझा और नोट्स लिखा। अब शेष बचे हुए कौन कौन जनजाति है उसकी चर्चा आज हम अपने क्लास नोट्स में करेंगे और समझेंगे। उसी के तहत आप लिखिए नोट्स का नेक्स्ट भाग, परहिया, परहिया जनजाति लिखिए, इसमें परहिया जनजाति, परहिया जनजाति। और इसका फॉलो पॉइंट लिखिए, परहिया झारखंड की एक आदिम अल्पसंख्यक जनजाति है। परहिया झारखंड की एक आदिम और अल्पसंख्यक जनजाति है, जनजाति है जो जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से है, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से है, समूह से है जिसका सर्वाधिक सकेंद्रन या जमाव पलामू प्रमंडल में है। इस जनजाति को लघु द्रविड़ जनजाति भी कहा जाता है, या लिख सकते हैं इस जनजाति को रिजले ने लघु द्रविड़ की संज्ञा दी है। नेक्स्ट पॉइंट, परहिया जनजाति के परिवार की गिनती, परहिया जनजाति के परिवार की गिनती चूल्हे से होती है जिसे उराल, चूल्हे से होती है जिसे उराल कहते हैं, मतलब एक चूल्हा एक उराल बराबर एक परिवार, जिसे उराल कहते हैं, जिनकी नातेदारी व्यवस्था बिल्कुल हिंदुओं की तरह है,
बिल्कुल हिंदुओं की तरह है। जिसमें गोत्र नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। कन्या मूल्य को या वधु मूल्य को, कन्या मूल्य को डाली, डाली कन्या मूल्य को डाली कहा जाता है। एवं इनके घर को शासन के नाम से जाना जाता है। इनके घर को शासन के नाम से जाना जाता है। यद्यपि इनके झोपड़ी नुमा, यद्यपि इनके झोपड़ी नुमा घर को झाला, यद्यपि इनके झोपड़ी नुमा घर को झाला के नाम से पुकारा जाता है, झाला के नाम से पुकारा जाता है। उसी में इस जनजाति में मां के वंशज की प्राथमिकता दी जाती है, मां के वंशज की प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, परय्य जनजाति का मुख्य पेशा बांस की टोकरी बनाना, परय्य जनजाति का मुख्य पेशा बांस की टोकरी बनाना तथा ढोल बनाना है। यद्यपि परय्य जनजाति का मुख्य पेशा बांस की टोकरी और ढोल बनाना है, यद्यपि ये स्थानांतरणशील कृषि भी करते हैं, यद्यपि ये पारंपरिक रूप से स्थानांतरणशील कृषि का कार्य भी करते हैं, जिसे झूम या बियोड़ा, जिसे झूम या बियोड़ा कहते हैं, जिसे झूम या बियोड़ा कहते हैं, बियोड़ा जिसे झूम या बियोड़ा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, परहिया जनजाति का सबसे प्रमुख देवता धरती है, धरती है। इसके अलावा परहिया जनजाति का सबसे मुख्य देवता धरती है। इसके अलावा इस जनजाति में मुआ पूजा, मुआ पूजा, इसका अर्थ होता है पूर्वजों की पूजा। इसके अलावा इस जनजाति में मुआ पूजा अर्थात पूर्वजों की पूजा का विशेष महत्व है। बैगा इनका पुरोहित होता है,
बैगा इनका पुरोहित होता है। छात्रगण नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, बिरहोर जनजाति। नेक्स्ट लिखिए आप लोग बिरहोर जनजाति। बिरहोर, बिरहोर जनजाति। देखिए इसमें बिरहोर झारखंड की एक आदिम जनजाति है। के साथ साथ यह एक अल्पसंख्यक के साथ साथ यह एक अल्पसंख्यक जनजाति भी है। नेक्स्ट पॉइंट, बिरहोर शब्द की उत्पत्ति मुंडारी से हुई है। बिरहोर शब्द की उत्पत्ति मुंडारी से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी है। बिरहोर शब्द की उत्पत्ति मुंडारी से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी है। आदमी है। प्रजातीय दृष्टिकोण से इसे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाट समूह में रखते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाट समूह में रखते हैं, जबकि भाषक दृष्टिकोण से इसे जबकि भाषा के दृष्टि से इसे ऑस्ट्रो एशियाटिक, वही मुंडारी, ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह में रखा जाता है। जिनकी भाषा बिरहारी है। नेक्स्ट पॉइंट, बिरहोर जनजाति जनजाति एक स्थान पर रहने के साथ साथ घुमंतू जीवन भी बिरहोर जनजाति एक स्थान पर रहने के साथ साथ घुमंतू जीवन भी व्यतीत करते हैं। उसी में अधिकांश बिरहोर लूट लाओ और लूट खाओ की जिंदगी जीते हैं। जिनका
सर्वाधिक जमाव झारखंड के हजारीबाग में है, जिनका सर्वाधिक जमाव झारखंड के हजारीबाग जिले में है। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्होर जनजाति स्वयं को खरवार, बिल्होर जनजाति स्वयं को खरवार समूह का मानते हैं, स्वयं को खरवार समूह का मानते हैं तथा स्वयं को सूर्यवंशी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिरहोर जनजाति का समाज परिवार पितृसत्तात्मक होता है, और इनमें भी युवा गृह का प्रचलन है, जिसे गीती ओड़ा, और इनमें भी युवा गृह का प्रचलन है जिसे गीती ओड़ा कहते हैं। और इनके सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है, जिसे जिसे सदर वापला कहते हैं। यद्यपि इनमें 10 प्रकार के विवाहों का प्रचलन है, प्रचलन है। उसी में इस जनजाति में कुल 13 गोत्र पाए जाते हैं, एवं इनके बस्ती को टंडा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिरहोर जनजाति में विवाह के प्रकारों में विनिमय विवाह को गोलट विवाह या गोलट बापला, बिरहोर जनजाति में विवाह के अन्य प्रकारों में विनिमय विवाह को गोलट बापला, हट विवाह को बोलो बापला, विधवा विवाह को सांगा बापला,
एवं सेवा विवाह, सेवा करके विवाह करना एवं सेवा विवाह को, एवं सेवा विवाह को की रिंग जवाई बापला, एवं सेवा विवाह को किरिंग जवाई बापला तथा पलायन विवाह को, तथा पलायन विवाह को उदरा उदरी, तथा पलायन विवाह को उदरा उदरी विवाह कहते हैं, कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिरहोर जनजाति का मुख्य पेशा लकड़ी काटना, शिकार करना, लकड़ी काटना, शिकार करना एवं खाद्य संग्रहण करना है, एवं खाद्य संग्रहण करना है, करना है। जनजाति में भूमि को सामुदायिक संपत्ति माना जाता है। जिसे बेचना निषिद्ध है, बिरहोर जनजाति में भूमि को सामुदायिक संपत्ति माना जाता है, जिसे बेचना निषिद्ध है, बैन है, बेचना निषिद्ध है। उसी में घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोर को घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोर को उल्थू, उल्थू या भुलियास, बिरहोर जनजाति में घुमंतु जीवन जीने वाले को उल्थू या भुलियास कहते हैं, जबकि अस्थाई जीवन जीने वाले बिरहोर, जबकि अस्थाई जीवन जीने वाले बिरहोर को जांघी या थानिया, घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोर को उल्थू या भुलियास, जबकि अस्थाई जीवन व्यतीत करने वाले बिरहोर को जांघी या ऑब्लिक थानिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बिरहोर जनजाति का प्रमुख देवता सिंह बोंगा, ओरो बोंगा, बिरहोर जनजाति का प्रमुख देवता सिंह बोंगा, ओरो बोंगा, कांदो बोंगा, सिंह बोंगा या ओरा बोंदा या ओरो बोंदा, कांदो बोंगा, होप रोम बोंगा, होप रोम बोंगा, टंडा बोंगा एवं देवी माई है, एवं देवी माई है। उसी में इस जनजाति में सामाजिक, इस जनजाति में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक
इस नजरिए में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों का एवं इस जाति में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक क्रियाकलापों का संचालन करने वाला व्यक्ति को नाये कहते हैं। नाये कहते हैं यद्यपि नाये मुख्य रूप से धार्मिक प्रधान होता है। यद्यपि नाये मुख्य रूप से धार्मिक प्रधान होता है। छात्रगण ने कृषि की आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सबर जनजाति। नेक्स्ट पॉइंट है सबर जनजाति। देखिए इसमें सबर झारखंड की एक आदिम जनजाति है। सबर एक झारखंड की आदिम जनजाति है जिसे पहाड़ी खड़िया, एक और ऐसा नाम है जिसे पहाड़ी खड़िया भी कहते हैं। पहाड़ी खड़िया भी कहते हैं जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से है और इसका संबंध मुंडा जनजाति से है। जिसका सर्वाधिक जमाव पूर्वी सिंहभूम में पाई जाती है। जिसका सर्वाधिक जमाव पूर्वी सिंहभूम में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सबर जनजाति की तीन प्रमुख शाखाएं हैं। जिसे झारा, बासु और जायता पाती कहते हैं जिसमें से झारा शाखा ही झारखंड में पाई जाती है। जिसमें से झारा सबर ही या झारा शाखा ही जिसमें से केवल झारा सबर या झारा शाखा ही झारखंड में पाई जाती है। शेष शाखाएं उड़ीसा राज्य में है। शेष शाखाएं या शेष सबर जो बच गया उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट पॉइंट, सबर जनजाति
जनजाति के अस्तित्व का पहला उल्लेख, सबर जनजाति के अस्तित्व का पहला उल्लेख त्रेता युग में मिलता है, त्रेता युग में मिलता है। इसके अलावा इसका उल्लेख महाभारत महाकाव्य, इसके अलावा इसका उल्लेख महाभारत काव्य में भी मिलता है। उसी में अर्थात इसका उल्लेख, अर्थात इसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में है, अर्थात सबर जनजाति का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में सबर जनजाति को अठारह सौ इकहत्तर के एक अधिनियम, ब्रिटिश काल में सबर जनजाति को 1871 के आपराधिक अधिनियम, 1871 के आपराधिक अधिनियम के तहत इन्हें आपराधिक जनजाति घोषित किया गया था, इन्हें आपराधिक जनजाति घोषित किया गया था, किया गया था। उसी में प्रसिद्ध साहित्यकार महाश्वेता देवी ने, प्रसिद्ध साहित्यकार महाश्वेता देवी ने विशेष रूप से सबर जनजाति, सबर जनजाति पर काम किया है। काम किया है इनकी भाषा उड़िया, बंगला तथा हिंदी है, इनकी भाषा उड़िया, बंगला तथा हिंदी है, तथा हिंदी है। नेक्स्ट पॉइंट, सबर जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक है, जिसमें युवा गिरह नहीं पाया जाता, यहां वधू मूल्य को, जिसमें युवा गिरह नहीं पाया जाता, यहां वधू मूल्य को पोटे, यहां वधू मूल्य को पोटे के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है समाज का मुख्य नृत्य डोमकच और पंतसालय है, समाज का या सबर जनजाति का मुख्य नृत्य डोमकच, डोम कच, डोमकच तथा पंतासालिया या पंतसालिया, पंतासालिया नृत्य है, नृत्य है। नेक्स्ट पॉइंट, सबर जनजाति के समाज में अपनी भाभी से विवाह को
अपने भाभी से विवाह को सोरोरात तथा साली से विवाह को लेबी रात कहा जाता है नेक्स्ट पॉइंट, सबर जनजाति का मुख्य पेशा कृषि कार्य है। सबर जनजाति का मुख्य पेशा कृषि कार्य है तथा वन उत्पाद का संग्रह और मजदूरी भी इनका मुख्य पेशा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए उसी में, उसी का नेक्स्ट पॉइंट, सबर जनजाति के धार्मिक प्रधान जनजाति का प्रमुख देवता काली है इसके अलावा पूर्वजों की पूजा का विशेष महत्व है। इनके गांव के पुजारी को दिहुरी इनके गांव के पुजारी को दिहुरी कहते हैं गांव के पुजारी को दिहुरी कहते हैं। तो छात्रगण, आज के इस क्लास में हमने तीन महत्वपूर्ण आदिम अल्पसंख्यक जनजाति की चर्चा की है। मैंने बताया था कि झारखंड में 32 में 24 महत्वपूर्ण जनजाति हैं और उसमें से 8 आदिम अल्पसंख्यक जनजाति हैं। उस 8 में से हम चर्चा कुछ की पहले कर चुके थे और आज क्लास में हम केवल 3 महत्वपूर्ण आदिम जनजाति की चर्चा किए। नाम है परहिया, बिरहोर और सबर। यहाँ पर हमने बिरहोर परहिया और सबर के महत्वपूर्ण पॉइंट्स का अवलोकन किया, नोट्स लिखा, वो पॉइंट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। छात्रगण, 32 जनजातियों में से हमने अभी तक 24 जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिदृश्य का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लिखा। शेष बचे हुए जनजाति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य कैसा है, इसको लेकर नेक्स्ट क्लास में हम पुनः हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू।